हेलो व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में। जी हाँ, इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं हम दिवंगत लता मंगेशकर की। बता रहे हैं आपको कि लता मंगेशकर अब सब लोगों को, पूरे देश विदेश पूरी दुनिया को अलविदा कह चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर पंचरथ में विलीन हो चुकी है, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और अब लता दीदी कभी दिखाई नहीं देगी, बस उनकी आवाज़ें ही सुनाई देगी। बता दें कि उनके पंचरत्न विलीन होने से पहले जब श्रद्धांजलि दी गई थी तो सबसे पहले यहाँ शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि वो हमेशा से प्रधानमंत्री को अपना भाई मानती थी, इसलिए सबसे पहले श्रद्धांजलि उन्होंने ही दी और उसके बाद सारे दिग्गज नेता से लेकर अभिनेता तक ने एक एक करके अपनी वहां पर श्रद्धांजलि दी लता मंगेशकर को। लेकिन आपको बता दें कि एक तस्वीर यहां काफी ज्यादा देखने वाली थी कि आखिरकार क्या हुआ था वो। जी हाँ, बात यहाँ पर कर रहे हैं शाहरुख खान की। बता दें कि शाहरुख खान जब लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो उस समय पर उन्होंने मास्क लगा रखा था, लेकिन अचानक से मास्क उतार के उन्होंने कुछ कहा और उसके बाद श्रद्धांजलि दी और फिर अल्लाह से दुआ भी पड़ी थी। लेकिन बता दें कि शाहरुख खान वहाँ पर लगातार अल्लाह से उनके अब आने वाले जीवन के लिए दुआएं कर रहे थे कि वो जहाँ भी जाए, जहाँ भी रहे, सारी जगह सुरक्षित और खुशहाल रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी 92 साल की उम्र तक इस दुनिया में गुजारी है, वो दूसरी दुनिया में जा चुकी है। उनका यही कहना था कि दूसरी दुनिया में जाने के बाद वहाँ के लोग भी खुद को खुश नसीब महसूस करेंगे, चाहे वो भगवान हो, अल्लाह हो या बाकी कोई भी हो। तो वही दुआ पढ़ते हुए नज़र आए थे शाहरुख खान और बात को लेकर उनकी आंखें काफी ज्यादा नम हो गई थी। लेकिन अब आपको एक चीज और बता दें कि लता मंगेशकर चली गई है, लेकिन आज उनके वो दिखाई नहीं देगी अब से, लेकिन उनकी आवाज हमेशा ही सुनाई देगी और उनके गाने को सुनकर लोगों की आंखें नम हो जाएगी। और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पे।